फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसी रसोई कुन। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ ये बिल्कुल बाजार जैसा बनकर तैयार होगा। बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी है, खाने में बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा और इसको आप समर सीजन में कभी भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। जो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा चीज़ लिया है, थोड़ा सा हमने हरा धनिया लिया है फ्रेश वाला, हरी मिर्ची लिया है, अदरक लिया है कद्दूकस करके, दो नींबू लिया है और प्याज लिया है रिंग के साइज में काट कर। प्याज आपको इसी साइज में काट के लेना है, रिंग के साइज में दो प्याज लिया है हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पुदीने के पत्ते भी ले सकते हैं, अगर आपके पास पुदीने के पत्ते हो तो पुदीने के पत्ते ले सकते हैं। यहाँ पर दो नींबू लिया है, नींबू लेना बहुत ही ज़रूरी है, इससे इसका टेस्ट बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर दो नींबू लिया है, नींबू को आप किसी भी साइज़ में काट के ले सकते हैं। अभी हम लेंगे यहाँ पर एक ग्राइंडर और ग्राइंडर में डाल देंगे हरा धनिया। तो हम पहले इसका पेस्ट तैयार करेंगे, हरा धनिया डाल देंगे और कद्दूकस किया हुआ अदरक और हरी मिर्ची डाल देंगे। तो यहाँ पर तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके भी ले सकते हैं। थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। काला नमक की जगह पर आप सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार थोड़ा सा कम ज़्यादा करके ही ले, जिस हिसाब से आप नमक खाते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद जो है इसको एक दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पर नमक डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है और अभी हम इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। ये बहुत ही बढ़िया से पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने धनिया जो है इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छे से और अभी हम इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें डाल देंगे पानी। तो हमने जो ग्राइंडर में पीसा है इसी में हम पानी ऐड करेंगे और इसी पानी को हम बाउल में डाल देंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसमें पानी बहुत ज़्यादा डालना है। आपके पास अगर आइस क्यूब हो आप इसमें आइस क्यूब डाल सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक यहाँ पर हमने धनिया का पेस्ट में भी डाला था और इस पानी में भी हमें नमक डालना है। इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर एक चम्मच और आधा चम्मच डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। तो लाल मिर्ची पाउडर अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर और आधा चम्मच डाल देंगे चाट मसाला पाउडर। तो चाट मसाला पाउडर और आमचूर पाउडर ज़रूरी है, आप ये दोनों चीज़ों को ज़रूर से डालें। तो ये दोनों चीज़ों से ना इसमें खटाई आती है और खाने में टेस्ट बढ़ जाता है। इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो इसमें पानी जो है आप बिल्कुल चिल्ड पानी लें, आप चाहे तो इसमें आइस क्यूब भी डाल सकते हैं। और इसमें हम डाल देंगे अभी नींबू, जो हमने नींबू काट के रखा था ना वही वाला नींबू हम इसमें डाल देंगे और प्याज के जो रिंग है वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमें और थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा, पानी यहाँ पर हमें थोड़ा सा कम लग रहा है, तो पानी आप अपनी इच्छा अनुसार भी डाल सकते हैं। तो इसको अभी हम कर देंगे साइड में। और आज की जो ये रेसिपी है ना खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, इसका जो पानी है ना बिल्कुल पानी पूरी की जो पानी है ना वैसे ही लगता है खाने में। तो यहाँ पर हमने और एक बाउल लिया है, इसमें डाल देंगे एक कप बेसन। तो मैं यहाँ पर एक कप बेसन ले रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे सौंफ, सौंफ से इसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया लगेगा, खाने में लाजवाब बनेगी ये। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आप यहाँ पर मसाले जो है अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें आधा चम्मच जीरा मसाला पाउडर डाल देंगे, आप चाहे तो जीरा भी डाल सकते हैं इसमें। और इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो नमक जो है यहाँ पर थोड़ा कम ले रही हूँ क्योंकि पानी में भी हमने नमक डाला है और जो हमारी धनिया की चटनी है उसमें भी हमने नमक डाला था, तो इसलिए इसमें नमक हमें थोड़ा सा कम डालना है। इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची। तो आप इस पे प्याज भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर प्याज नहीं डाल रही हूँ बेसन के साथ में। अभी हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो धनिया इसमें ज़रूर से डालें, धनिया से इसका टेस्ट बढ़िया लगता है। बस मसाले हमें इतना ही लेना है इसमें।
आप चाहे तो इसमें प्याज भी ले सकते हैं। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। इसमें एक साथ में पानी ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते जाएंगे और इसको लिक्विड जैसा बना लेंगे। एक ही साइड से चलाते जाना है। इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको एक ही डायरेक्शन में चलाते जाएंगे तो ये बहुत ही बढ़िया से बन जाएगा। और थोड़ी देर में देखेंगे आप इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होने लगा है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो पानी डालते हुए हमें ध्यान से डालना है क्योंकि हमें इसको बिल्कुल भी लिक्विड जैसा नहीं करना है, हमें इसका बनाना है पकौड़े। तो इसलिए हमें इसको बहुत धीरे धीरे करके पानी डालते जाना है और इसको मिक्स करना है। एक ही डायरेक्शन में हमें इसको चलाते जाना है। तो ये देखिए आप बहुत ही बढ़िया से हमारा ये बेसन का जो घोल है बनकर तैयार हो गया है और इसमें ना ज़्यादा पानी है और ना ज़्यादा कम हुआ है पानी। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सोडा, तो मीठा वाला सोडा हमें इसमें डाल देना है और थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको दोबारा से चला देंगे। इसको चलाने के टाइम में थोड़ा सा ध्यान रखना है बस। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, सोडा डालने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। इसको साइड में करते हैं। यहाँ पर कढ़ाई में हमने तेल रख दिया था, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें पकोड़े डालते जाएंगे, मतलब बेसन का जो घोल है इसका हमें पकोड़ा बनाना है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, अगर ज़्यादा डालेंगे ना तो ये फूलने के बाद में ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसका एक पकोड़ा बनकर तैयार हो जाएगा थोड़ी ही देर में। तो धीमी आंच में हमें इसको बनाना है, हाई फ्लेम में नहीं करना है, नहीं तो ये बेसन के पकोड़े है जल्दी से जल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, और फूलने के बाद ना ये बड़े साइज के हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसको डालना होता है। आज की रेसिपी अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आप सबको जल्दी से मिल सके। और एक प्यारा सा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और प्लीज़ 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 लाइक डन भी साथ में ज़रूर से कीजिएगा। तो ये आप देख सकते हैं पकोड़े जो है जैसे ही गर्म हो जाएगा ना नीचे से तो ये अपने आप छूटने लगेगा। तो पकोड़े को हमने निकाल लिया है, अभी दूसरा बेज डाल रहे हैं इसमें। तो वैसे ही करके हमें सारे पकोड़े को जो है बनाकर तैयार कर लेना है। ज़्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी नहीं लगता है, बस इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है गैस को लो फ्लेम में रखना है। हाई फ्लेम में करने से ये बेसन के पकोड़े ना जल्दी से जल जाएगा और ये जैसे ही नीचे से थोड़ा सिक जाएगा ये अपने आप ही निकल जाता है, इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बेसन के पकोड़े आप इसको ऐसे भी बनाकर खा सकते हैं बिना पानी के। तो आज की जो ये रेसिपी है पानी वाले पकोड़े की रेसिपी है, जिसको आप होली में बना सकते हैं, दिवाली में बना सकते हैं, समर सीजन में कभी भी आप इसको बनाकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है ठंडे ठंडे पानी के साथ में, और ये जो पानी है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है, बिल्कुल पानी पूरी वाला पानी है। और इस पानी को आप रीयूज़ भी कर सकते हैं, जब आप घर पर पानी पूरी बना रहे हो तो भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर पानी बच जाता है तो इसी में आप पूरी बनाकर डाल दीजिए, तो पानी पूरी की तरह भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है और इसमें हम डाल देंगे हमारे गर्मा गर्म पकौड़े। और पकौड़े डालने के बाद एक मिनट रखेंगे, उसके बाद जो है इसका पानी निचोड़ के निकाल देंगे। इससे ये होगा, ये जो पकौड़े में एक्स्ट्रा जो तेल होगा ना, एक्स्ट्रा तेल इसका निकल जाएगा। तो जिसको खाना है बिना तेल के वो इस तरह से भी खा सकते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा जो तेल है ये बिल्कुल भी निकल जाता है। ये आप देख सकते हैं इसका तेल अच्छे से निकल गया है, हम इसको अभी साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर हमें ले लेना है हमारे पानी, जो धनिया का पेस्ट का पानी है। तो इसी तरीके से हमें सारे बेसन के पकोड़े बनाकर कर लेना है तैयार। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया से बनकर तैयार हो रहा है। और यह हमारा जो पानी है ये भी तैयार हो चुका है। इसमें अभी हम डाल देंगे अपना गर्मा गर्म पकौड़े और जल्दी से इसको सर्व कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है नींबू और अभी हम इसमें डाल देंगे हमारे गर्मा गर्म पकौड़े। मैंने जो यहाँ पर पानी से निकाल के पकौड़े रखा है आप उसको भी डाल सकते हैं, या फिर इसी पानी में आप गर्मा गर्म पकौड़े भी डाल सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पकौड़े डाल दिया है हमने और इसमें हम डाल देंगे प्याज के रिंग।
तो प्याज के रिंग आप इसमें ज़रूर से डालें, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टेस्टी लगती है। तो ये हमारे पानी के पकोड़े, पानी फुल्की बनकर तैयार हो गई है। रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये जो पानी बच जाएगा ना, इसी पानी में आप पानी पूरी भी बनाकर खा सकते हैं। तो मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ में, तब तक आप भी बनाइए, एंजॉय कीजिए और मिलते हैं और एक रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।